हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम सागर वर्मा आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग नो कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से उठा सकते हो, कैसे यूज कहाँ से यूज कर सकते हैं। वीडियो बना क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कमेंट आया था कि जैसे दोस्तों ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनाने वाले वीडियो ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे टेक में भी दोस्तों कुछ लोग यूज करते हैं म्यूजिक, तो दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं। उसी तरह ब्लॉग में भी बहुत लोग यूज करते हैं, ब्लॉग में अधिकतर यूज किया जाता है म्यूजिक। तो दोस्तों कहाँ से यूज करें, कैसे यूज करें कि आप लोग कॉपीराइट ना आए, कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना, कॉपीराइट क्लेम कहीं से भी ना आए। तो दोस्तों चलिए बिना बेसक वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो को आप लोग बहुत ही नॉलेज पर यूजफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग अपने YouTube पर जाना है, YouTube पर जाके दोस्तों आप लोग को सीधे लिखना है नो कॉपीराइट म्यूजिक, नो कॉपीराइट म्यूजिक लिखना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नो कॉपीराइट आ गया। तो दोस्तों इस तरह से बहुत लोग देखिए यहाँ बहुत सारे आ जाते हैं चैनल्स में से, देखिए नो कॉपीराइट साउंड करके आ जाता है जिससे, और देखते दोस्तों ये सब यूट्यूब पे देखिए ब्लॉग, देखिए ब्लॉग जो बना ले रहे हैं दोस्तों स्पेशल ब्लॉग के लिए भी एक स्पेशल चैनल आता है, उसमें ब्लॉग म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से भी, और दोस्तों ऑडियो लाइब्रेरी म्यूजिक, दोस्तों यूट्यूब देखिए क्या होता है, अपना खुद का चैनल बना के उसमें ऑडियो डाल देता है, आप लोग वहाँ से भी कई यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई कई चैनल होते हैं जहाँ देखिए दोस्तों कोई जहाँ आप बोलता है आप लोग उसको क्रेडिट देने के, तो वहाँ आप लोग उसको क्रेडिट देख सकते हैं। यूट्यूब पर म्यूजिक नो कॉपीराइट म्यूजिक देख सकते हैं, ये सब चैनल दोस्तों यहाँ सब लोग यूज किया कीजिएगा। दोस्तों मैं भी कभी कभी भी यहीं के म्यूजिक उठा के यही मैं ऑडियो में कन्वर्ट करके मैं म्यूजिक इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से म्यूजिक यहाँ से म्यूजिक आप लेंगे तो दोस्तों आप लोगों को कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। कि दोस्तों आप लोग ये बेसिकली दोस्तों आप लोग समझ आएगा कि आप लोग कहाँ से म्यूजिक, और दोस्तों कहाँ से कैसे डाउनलोड करना, ये दोस्तों आप लोग बेसिकली जानते ही हैं कहाँ से, ये तो आप लोग बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करके आप लोग अपने ब्लॉग में या टेक कहीं भी दोस्तों किसी में दोस्तों टेक के लिए भी आप लोग कहीं से नो कॉपीराइट कहीं से खो सकते हैं। टेक के लिए स्पेशली होता है, और ब्लॉग के लिए दोस्तों होता है ब्लॉग वाले को यहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से यूज कर सकते हैं आप नो कॉपीराइट म्यूजिक। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा जैसे कि आप लोग ये नहीं आता दोस्तों क्रिएटिव कॉमन वर्क करके भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्रिएटिव कॉमन में भी कितने में नो कॉपीराइट म्यूजिक निकल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग म्यूजिक इस तरह से भी उठा सकते हैं। इस तरह आपको हर तरह से आप सेफ हो जाएंगे, नो कॉपीराइट से भी पूरी तरह सेफली हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ से आप लोग म्यूजिक इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग पर न कॉपीराइट क्लेम आएगा न कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे और कहाँ से म्यूजिक इस्तेमाल करना है। तो सो गाइस, तो आप लोग दोस्तों मैंने बताया कि आप लोग यहाँ से म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, दोस्तों आप लोग को बेसिकली मालूम ही है कि दोस्तों कहाँ से डाउनलोड करना होता है, ये तो मैंने बता नहीं सकता कैसे डाउनलोड किया जाएगा क्योंकि दोस्तों देखिए यूट्यूब नियम पॉलिसी के खिलाफ है। तो दोस्तों आप लोग कहाँ से कैसे डाउनलोड किया तो आप लोग जान सकते हैं, डाउनलोड करके कैसे ऑडियो में के लिए बदल सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से इसी म्यूजिक को यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों यूज कर सकते हैं और दोस्तों इससे म्यूजिक यूज करके और अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा को लाइक करता है कीजिएगा, लाइक चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रोजाना सीखते आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सकते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तक जय हिंद, वंदे मातरम।